दिल्ली के कैबिनेट मंत्री कैलाश गहलोत का जन्म 22 जुलाई 1974 को नई दिल्ली के नजफगढ़ के मित्रोन गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम रामचंद्र गहलोत, एक भाई हरीश गहलोत। 2019 में भाई हरीश गहलोत की 1,46,00,000 की संपत्ति को ईडी ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा के तहत जब्त की थी। कैलाश की प्रारंभिक शिक्षा दिल्ली में हुई। कैलाश गहलोत ने दिल्ली विश्वविद्यालय के श्री वेंकटेश्वर कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त। 1994-95 में श्री वेंकटेश्वर कॉलेज छात्र संघ के अध्यक्ष चुने गए। उसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय कैंपस लॉ सेंटर से LLB और LLM की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वकालत करने लगे। 2005-07 तक दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के पदाधिकारी रहे। सुप्रीम कोर्ट में भी वकालत की। आम आदमी पार्टी की सदस्यता लेकर अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की। 2015 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की टिकट से नजफगढ़ विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ा और इंडियन नेशनल लोकदल के प्रत्याशी भरत सिंह को पराजित करके पहली बार विधायक चुने गए। अरविंद केजरीवाल सरकार में कैबिनेट मंत्री चुने गए। 2020 के विधानसभा चुनाव में पुनः नजफगढ़ विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ा। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अजीत सिंह खारखरी को पराजित करके दूसरी बार विधायक बने और अरविंद केजरीवाल सरकार में दूसरी बार कैबिनेट मंत्री बनाए गए। कैलाश गहलोत ने मौसमी मिश्रा से विवाह किया। दोनों के दो बेटियां हैं।